हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। दोस्तों, साल 2021 अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस साल खेलों की दुनिया में भी हमें काफी हलचल देखने को मिली। खिलाड़ियों ने कुछ ऐसे यादगार पल देश को दिए जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 ऐसे खिलाड़ियों की दास्तान जिन्होंने अपनी लोकप्रियता के चलते सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, साल 2021 में जिन खिलाड़ियों ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया, उसमें पहले नंबर पर आते हैं नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीत इतिहास रच दिया। वे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 87.58 मीटर जेवलिन फेंक कर स्वर्णिम सफलता हासिल की, जिसके बाद नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू और लोकप्रियता में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ। दोस्तों, भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली की लोकप्रियता तो जग जाहिर ही है। एक बार फिर ये बात साबित भी हो चुकी है, क्योंकि साल 2021 में सबसे ज्यादा याहू सर्च किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। जहां उनकी फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी विश्व भर में कहीं ज्यादा है। विश्व में सबसे ज्यादा फॉलोइंग रखने वाले वो एकमात्र भारतीय हैं और साथ ही पहले एशियाई भी। विश्व में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ियों में पहले नंबर पर आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 338 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। उसके बाद लियोनेल मेसी दूसरे स्थान पर आते हैं, जो कि 295 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर रखते हैं। वहीं इसके बाद तीसरे स्थान पर आते हैं भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली, जो कि 175 मिलियन फॉलोइंग के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पहले एशियाई और विश्व में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं। दोस्तों, साल 2021 में जिन खिलाड़ियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, उनमें मीराबाई चानू का भी एक नाम शामिल रहा। मणिपुर के इस खिलाड़ी ने 24 जुलाई को ही ओलंपिक पदक तालिका में भारत का नाम अंकित करा दिया था। उन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर भारोत्तोलन में पदक के 21 साल के सूखे को खत्म कर दिया। इस 26 साल के खिलाड़ी ने कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर रियो ओलंपिक 2016 में मिली निराशा को दूर किया और भारत को टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला पदक दिलाया। दोस्तों, साल 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने बाजी मारी और वे इस क्रम में पहले स्थान पर रहे। इस साल क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में रोहित शर्मा ने कुल 1420 रन बनाए। दोस्तों, रोहित शर्मा की अगर बात करें तो साल 2021 में उन्होंने भारत के लिए 11 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 38.54 की औसत से 424 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतकीय पारी भी खेली और उनका बेस्ट स्कोर 74 रन रहा। वहीं वनडे क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा को साल 2021 में सिर्फ 3 वनडे मुकाबलों में शिरकत करने का मौका मिला और इन तीनों ही मैचेस में 30 की औसत से रोहित शर्मा ने 90 रन बनाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 37 रहा। वहीं अगर इस साल टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन इसी फॉर्मेट में बनाए हैं। वो इस साल टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। हिटमैन ने साल 2021 में भारत के लिए 11 टेस्ट मैचों की 61 पारियों में 906 रन बनाए। इस साल टेस्ट मैचेस में उनका औसत 47.68 का रहा था, जबकि 161 रन उनकी सबसे बड़ी पारी रही। टेस्ट क्रिकेट में इस साल रोहित शर्मा ने 2 शतकीय और 4 अर्धशतकीय पारियां भी खेली। दोस्तों, लोकप्रियता के मामले में भारतीय मूल के न्यूजीलैंड राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी एजाज पटेल ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जी हां, मुंबई में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच में एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम किए और वे भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। इसके अलावा वे दुनिया के ऐसे तीसरे गेंदबाज बने जिसने एक पारी के सभी 10 विकेट लिए हैं। और खास बात यह है कि एजाज का जन्म भी मुंबई में ही हुआ। एजाज पटेल को ये नहीं पता कि टेस्ट मैच की एक पारी के सभी विकेट झटकने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद उन्हें अपने देश के लिए 80 से 90 टेस्ट मैचेस और खेलने की उम्मीद है। इस तरह से लोकप्रियता के मामले में एजाज पटेल ने भी झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, आज का हमारा सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।